जय हिंद किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं एक बैल चालित कोहलू की वीडियो। जी हां, इससे पहले आपने लोहे से बनी तेल निकालने की ऑयल स्पेलर मशीनें तो खूब देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं बैल चालित कोहलू कैसा होता है। तो बैल को कोहलू से जोड़ दिया गया है। अब आप देख सकते हैं लाट के अंदर पीली सरसों डाली जा रही है तेल निकालने के लिए। इस विधि से तेल निकालने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तेल के सभी आयुर्वेदिक जो गुण हैं, औषधीय गुण हैं, वो बरकरार रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है बैल चालित कोहलू से तेल निकालने की प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, इसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल टेक्निक कहा जाता है। इस विधि से तेल निकालने पर तेल का टेम्परेचर हाई नहीं होता और इसीलिए इसका नाम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल टेक्निक रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं 100% शुद्ध प्राकृतिक तेल बनकर के तैयार हो चुका है और जितने भी इसके औषधीय गुण हैं, नेचुरलिटी है, वो इसमें कायम रहेगी। क्योंकि अक्सर जो मैंने आपको बताया, लोहे की जो बनी मशीन होती है उसमें अगर तेल निकाला जाता है तो उसके अंदर हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस तेल के जितने प्राकृतिक गुण हैं वो सारे ही पहले ही खत्म हो जाते हैं आपकी रसोई में पहुँचने से पहले। लेकिन यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो नीचे लाट की लकड़ी है वो नीम की बनी है और ऊपर या जो आप डंडा देख रहे हैं ये बम्बूल की बनी लकड़ी है। ये दोनों अगर इसमें घिसती भी है तो इसके औषधीय गुण हैं, जो आयुर्वेदिक तरीके से नीम और बम्बूल दोनों का काफ़ी महत्व रहता है आयुर्वेद के अंदर, तो ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ें देकर के जाएगी। इस विधि से निकले हुए तेल का कलर देखकर ही आप इसकी प्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इस मेथड में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी खूब होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपकी रसोई तक एक शुद्ध तेल पहुँचता है। किसान भाइयों, तेल निकालने की ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तकनीक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो इसे अन्य किसानों के साथ शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।